जनपद झांसी के बरौरा में नर कंकाल मिलने से मचा क्षेत्र में हड़कंप। गांव के ही निवासी करण सिंह के रूप में हुई कंकाल की पहचान। एक हफ्ते से गायब था व्यक्ति। गुरुसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव बरौरा में कई दिनों से लापता 50 वर्षीय अधेड़ का कंकाल नाले के पास मिलने से सनसनी फैल गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। सब कई दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गांव बरौरा निवासी करण 50 बेटा लाखन सिंह 22 अगस्त से बिना बताए घर से कहीं चला गया था। परिजनों ने काफी तलाश किया लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल सका। दो दिन पहले परिजनों ने थाने में गुप्तगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बरौरा गाँव के करीब नींव खोदी जा रही है। नहर के पास बने नाले के किनारे से कुछ लोग गुजर रहे थे, तभी तीखी दुर्गंध आई। उन्होंने करीब जाकर देखा तो दंग रह गए। करण का संदिग्ध परिस्थिति में शव पड़ा था, जिससे आसपास हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंचे परिजन बिलख पड़े। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। गुरुसराय थाना क्षेत्र प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार तिवारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। अब तक की गई पड़ताल में यही सामने आया कि मृतक शराब पीता था। हो सकता है कि नशे में गिरने की वजह से उसकी मौत हुई हो और किसी को पता भी नहीं चल सका है। फिर भी इसकी जांच की जा रही है। परिवार में कोहराम। साहब 22 तारीख को करण बिना बताए घर से कहीं चला गया। वह शराब पीता था। नाते रिश्तेदारों से पूछा गया लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। आज जब लोगों ने गांव के पास शव पड़े होने की सूचना दी तब जानकारी हो सकी। इसके बाद परिजन रोने बिलखने लगे। झांसी से ब्यूरो चीफ निर्दोष राजपूत की रिपोर्ट। जा गई। अब दो तीन जने जाने निकलेगा तो नहीं क्यों करने क्या कुछ नहीं है, केवल जो है कि तुम तो देर जाए थे तो अपने डॉक्टर से चेक करवाते।